हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन का नॉवेल नागराज की हत्या का 7वां भाग। नागराज हंसनी को छोड़कर उछल कर खड़ा हो गया। क्या हुआ नागराज? हंसनी ने चौंक कर उसे देखा। नाटक करते करते वो जैसे सच में प्यार में डूब गई थी। मेरी कोशिश सफल रही हंसनी, नागराज के चेहरे पर खुशी थी। सफल? मैं समझी नहीं। जो ही रानी ने अपनी शक्ति से देवा को देखा कि वो कहाँ है, तो उसे मैं देखा, तुम नजर आई, हम दोनों को एक साथ देखा। ऐसा होते ही मेरी शक्ति ने मुझे इस बात का एहसास दिला दिया था कि रानी हमें देख रही है। ओह, फिर क्या हुआ? रानी क्रोध में पागल हो गई है। सुनेरा और त्रिवेणी की आत्मा से उसका ध्यान हट गया। वो देवा को धोखेबाज मानकर उसे मारने के लिए इस तरफ के लिए चल पड़ी है, नागराज ने कहा। ओह, हंसनी के होंठों से निकला, वो मुझे भी मार सकती है नागराज। नहीं, तेरी जान लेकर रानी के दिल की आग शांत नहीं होगी, नागराज ने कहा। वो देवा को दगाबाज मानने लगी, उसकी जान लेकर ही अब उसका पागलपन शांत होगा, इसी वास्ते वो इधर आ रही है। जाने क्यों मुझे डर लग रहा है? बिना वजह मन में डर मत रख हंसनी, नागराज ने गंभीर स्वर में कहा, अभी तेरे को बहुत काम करने हैं। हंसनी नागराज को देखती रही, फिर गहरी सांस लेकर बोली, रानी कब तक यहाँ पहुँचेगी? कह नहीं सकता, ये बात अपनी शक्ति को बुलाकर मालूम करूँगा। नागराज, कहो, देवा और रानी को इस तरह तुम दुश्मन बनाकर बहुत गलत कर रहे हो, हंसनी गंभीर स्वर में कह उठी। मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा, नागराज के होठों से कुछ कठोर स्वर निकला। मेरी शक्तियों ने मुझे रोक रखा है कि नागरानी का जीवन बचाने के लिए मुझे किसी की जान नहीं लेनी है। अगर ये रुकावट ना होती तो अब तक मैं जाने कितनों की जान लेकर अपने लक्ष्य को हासिल कर चुका होता, नागरानी को बचा लिया होता। बहुत कम हो रहा है कि दो प्यार करने वालों को सिर्फ जुदा कर रहा हूँ, जान से खत्म नहीं कर रहा। हंसनी ने गंभीर निगाह से नागराज को देखा। मुझे और बलसारा को तुमने आत्माओं का रखवाला बनाना है, हंसनी ने जैसे याद दिलाया। अपना वायदा मैं भूलता नहीं हूँ। कैसे बनाओगे? यह सोचना तुम्हारा काम नहीं है हंसनी। ठीक है, नहीं पूछती, हंसनी की आवाज़ में गंभीरता थी। ये तो बता सकते हो कि सुनेरा से कैसे त्रिवेणी की आत्मा लोगी? दो पलों की सोच के बाद नागराज बोला, त्रिवेणी की आत्मा को पा लेना मेरे लिए कोई समस्या नहीं रही। रानी और देवा अलग हो गए। रानी देवा के प्रति बहुत गुस्से में है। वो ये सोचती है कि देवा ने उसे छोड़कर तुमसे प्यार करना आरंभ कर दिया है। वो सुनेरा और त्रिवेणी की आत्मा पाने वाली बात भूल गई है। मिन्नो का रास्ता भी बलसारा ने भटका दिया है। सांपनाथ सुनेरा की कैद में है, वो सांपनाथ कुछ नहीं कर पाएगा, नागराज ने सिर हिलाया। ऐसे में सुनेरा से आत्मा लेना मेरे लिए मामूली काम है। इच्छाधारी और सत्य को तुम भूल रहे हो? नहीं भूला, इच्छाधारी की हर पल याद है मुझे, नागराज ने गंभीर स्वर में कहा। वो तुम्हें त्रिवेणी की आत्मा लेने से रोकेगा? अगर वो ऐसा करता है तो उसे मेरा मुकाबला करना होगा, नागराज गुस्से से कह उठा। मेरे ख्याल में तुम इच्छाधारी को कम आंक रहे हो नागराज, हंसनी बोली। ऐसा कुछ नहीं है, इच्छाधारी की ताकत का एहसास है मुझे, वो मुझे अच्छी टक्कर दे सकता है। जब वो मेरे रास्ते में आएगा तो तभी सोचूंगा कि उससे कैसे मुकाबला करना है, वरना मुझे अन्य कार्यों में ध्यान देना है। अब मैं क्या करूँ नागराज जी? बलसारा के पास चलते हैं, वो देवा की रखवाली कर रहा है, आओ। नागराज और हंसनी एक दिशा की तरफ चल पड़े। जाने क्यों मुझे डर लग रहा है, हंसनी क्या उठी, मेरे साथ होते हुए तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं? रानी यहाँ आएगी तो वो बहुत गुस्से में होगी, नागराज के होठों पर मुस्कान आ गई। मेरे ख्याल में रानी के यहाँ पहुँचने से पहले ही हम यहाँ से जा चुके होंगे। ओह, कहाँ? अभी कुछ मत पूछो। वो कुछ देर बाद उसी जगह पहुँचे जहाँ बलसारा और बेहोश देवा थे। रोशनी के लिए नागराज ने अपनी नागमणि को बाहर निकाला तो वहाँ की हर जगह रोशन हो उठी। देवा फर्श पर बेहोश पड़ा था, उस पर नागराज का काला कपड़ा पड़ा था। आ गए? बलसारा फौरन उठा। देवा को होश आया? अभी तो नहीं। बलसारा ने हंसनी को देखा, क्या करके आए हो तुम लोग? जिस काम के लिए गए थे वो पूर्ण हो गया, हंसनी गंभीर स्वर में बोली। रानी नागराज रूपी देवा को असली देवा समझ रही है, उसने अपनी शक्ति से हम दोनों को प्यार करते देख लिया। क्या तुम सच में नागराज से प्यार कर रही थी? बलसारा ने टोका। नागराज मुस्कुराया, शक वाली बात मत करो, हंसनी ने मुंह बनाया, हम तो नाटक कर रहे थे प्यार का, असल में प्यार करती तो नागराज के जहर ने मेरा जीवन समाप्त कर देना था। ओह, बलसारा ने सिर हिलाया। रानी अब गुस्से में डूबी इधरी आ रही है, ओह कहीं वो हमसे बदला ला ले, हमें सावधान रहना है, हंसनी ने कहते हुए नागराज को देखा। इनका कहना है कि रानी के यहाँ पहुँचने से पहले हमें कहीं दूसरी जगह पर चले जाना है। कहाँ? बलसारा ने नागराज को देखा। मालूम हो जाएगा, नागराज ने सोच भरे स्वर में कहा। रानी और मिन्नो की दिशा बदल जाने के पश्चात मेरे लिए त्रिवेणी की आत्मा पाने की अड़चनें समाप्त हो गई हैं। हम सुनेरा के पास त्रिवेणी की आत्मा लेने भी जा, इस हाल में हम सुनेरा के सामने नहीं पड़ेंगे, बलसारा कह उठा। नागराज ने बलसारा को देखा और गंभीर स्वर में कह उठा, मैं समझता हूँ इसलिए सुनेरा के पास मैं अकेला ही जाऊँगा। तभी देवा के होठों से करा निकली, वो होश में आ रहा था। बलसारा ने देवा को पुनः बेहोश कर दिया। उसी पल बाहर कुछ आहटे सी उभरी, वे चौंके।
रानी आ गई। हंसनी हड़बड़ा कर कह उठी, रानी इतनी जल्दी यहाँ नहीं पहुँच सकती। नागराज होठ भींच कर बोला, फिर कौन हो सकता है। बलसारा के होंठों से निकला। आहटें उस रास्ते के पास आ गईं जहाँ से वे भीतर आए थे। तीनों की निगाह उस तरफ उठ चुकी थी। कुछ क्षणों के पश्चात ही उस रास्ते पर मोना चौधरी का चेहरा दिखा। मिन्नो, हंसनी के होंठों से हैरानी भरा स्वर निकला। मोना चौधरी, महाजन और पारसनाथ ने दिन भर छाँव में आराम किया, झपकी भी ली। जब सूर्य पश्चिम की तरफ बहुत हद तक झुक गया तो मोना चौधरी किसी ऐसी जगह की तलाश में आगे बढ़ गई जहाँ वे शांतिपूर्वक अंधेरे में समय लगाकर अपनी विद्या से आगे के हालातों के बारे में और ये भी जान सके कि किसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उन्हें हवा के बवंडर में लपेट कर रास्ते से भटका कर कहीं और फेंक दिया। महाजन और पारसनाथ उसके साथ थे। जब पूरी तरह अंधेरा घिर गया तो मोना चौधरी ठटकी। शान ठंडी हवा चल रही थी। दिन भर का पसीना अब सूखता महसूस हो रहा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। चंद्रमा की मध्यम सी रोशनी फैली हुई थी। मोना चौधरी ने महाजन और पारसनाथ को एक जगह छोड़ा और खुद चंद कदम दूर कुछ हटकर बैठी अपनी विद्या का इस्तेमाल करते हुए ये जानने की चेष्टा करने लगा कि किसने उन्हें रास्ते से भटकाया। हम पाठकों को ये बता दें कि इसी विद्या का इस्तेमाल रानी ने किया था। चूँकि रानी ने यह विद्या वायुलाल से सीखी थी और वायुलाल ने रानी से, इसलिए मोना चौधरी की विद्या और रानी की एक ही है। विद्या का इस्तेमाल करने पर मोना चौधरी के सामने वही आईना आया। बात हुई और मोना चौधरी के ये कहने पर कि किसने उसका रास्ता भटकाया, तो जवाब में शीशे पर देवराज चौहान की तस्वीर उभरी, जिसे देखते ही मोना चौधरी का चेहरा कठोर हो गया। पारसनाथ और महाजन भी शीशे पर देवराज चौहान का चेहरा देखकर चौंक गए। ए शीशे, मोना चौधरी दांत पीछे क्या उठी, बता मुझे देवराज चौहान कहाँ मिलेगा, मैं उसके पास जाना चाहती हूँ। मिन्नो, शीशे की आवाज़ आई, देवा इस वक्त काला द्वार में। काला द्वार, ये कहाँ है, जहाँ इस वक्त तू है। मोना चौधरी चीहूं कुटी, क्या कहा। यह जगह काला द्वार ही है जहाँ तू मौजूद है और देवा भी यहीं पर है। कहाँ, ये तो तेरे को ढूंढना होगा, इस बारे में मुँह खोलना मेरी सीमा में नहीं आता। मोना चौधरी दांत भींचे शीशे को देखती रही। बता मिन्नो, और क्या पूछना है तेरे को, शीशे की आवाज़ गूंजी। अभी कुछ नहीं। मोना चौधरी ने हाथ हिलाया, जा तू। अगले ही पल शीशा गायब हो गया। दांत भींचे मोना चौधरी उठी और पारसनाथ महाजन को देखा। सुना तुम दोनों ने, मोना चौधरी गुर्राई। हाँ, महाजन का सख्त तोरा चेहरा हिला। हम भी काला द्वार नाम की जगह में हैं और देवा भी यहीं है। उसी ने हमें हवा के बवंडर में फंसाकर रास्ते से भटकाया है। हैरानी है मुझे कि उसे विद्या का ज्ञान कैसे हो गया कि हमारा रास्ता भटका सके। तुम ठीक कहती हो, पारसनाथ शब्दों को चबाकर बोला। देवराज चौहान ऐसी विद्या का ज्ञाता नहीं हो सकता, और तुम्हारा शीशा कहता है कि देवा ने हम पर विद्या का इस्तेमाल किया। यही बात तो उलझन में डाल रही है, होठ भींचे मोना चौधरी कह उठी। महाजन गहरी सोच में डूबा नजर आ रहा था। चलो, मोना चौधरी कह उठी, देवराज चौहान यहीं कहीं है, उसे ढूंढना ज़रूरी है। 3 घंटे हो गए थे उन तीनों को उस जगह पर घूमते हुए। टूटे फूटे जमीन में धसे खंडहरों में जब वो पहुँचे तो भटकते हुए ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ उन्हें किसी दबी जगह से तीव्र रोशनी फूटती दिखी। वो नागराज की मणि की रोशनी थी। वो रोशनी कैसी, महाजन के ऑटो से निकला। मेरे ख्याल में वहीं पर देवराज चौहान है, मोना चौधरी दांत बीच कर क्या उठी। आओ, तीनों तेजी से उस तरफ बढ़ गए। उस जगह के पास पहुँचे, वो जो भी जगह थी आधी ज़मीन में धसी हुई थी। दरवाज़ा भी आधा ज़मीन में था। मोना चौधरी नीचे झुकी और भीतर जाकर, भीतर उसे 3 चेहरे दिखे, देवा, हंसनी और बलसारा के। मिन्नो, तभी उसके कानों में हंसनी की आवाज़ पड़ी। मोना चौधरी के दांत भिज गए, वो सीधी हुई। भीतर देवराज चौहान के साथ हंसनी और बलसारा है। हंसनी और बलसारा देवराज चौहान के साथ, पारसनाथ के होठों से निकला। देवराज चौहान ने उन दोनों को फंसा लिया होगा कि उनके माध्यम से सुनेरा से त्रिवेणी की आत्मा हासिल कर सके, महाजन ने दांत भींचकर कहा। लेकिन देवा के पास विद्या कहाँ से आ गई कि हमारा रास्ता भटका सके। मोना चौधरी के होठों से गुर्राहट निकली और वो नीचे उतरने लगी। उसके बाद पारसनाथ और महाजन नीचे उतरते चले गए। उस जगह में पहुँचते ही मोना चौधरी का चेहरा गुस्से से धधक उठा। 4 कदमों की दूरी पर देवराज चौहान के रूप में नागराज खड़ा उसे देख रहा था। उसे सामने पाकर मोना चौधरी पागल सी उठी थी। देवराज चौहान, मोना चौधरी गुर्रा उठी, अब तू मुझ पर विद्या रूपी शक्ति का इस्तेमाल करके मेरा रास्ता बदलने लगा। हैरानी है मुझे कि तुम्हें विद्या की जानकारी कैसे हो गई। नागराज मुस्कुराया, खामोश रहा। मैं तेरे पीछे पीछे ही पूर्व जन्म में आ पहुँची हूँ, इसलिए कि तुझे खत्म कर सकूँ। अब तू मेरे सामने आया, ये मौका मैं हाथ से नहीं जाने दूंगी। त्रिवेणी की आत्मा पाने के लिए तू भाग दौड़ कर रहा है, लेकिन अब तू ही। मिन्नो, बलसारा ने गंभीर स्वर में कहा, ये देवा नहीं है। झूठ मत बोल, मोना चौधरी गुर्रा उठी, तू ये कहकर मुझे धोखे में नहीं डाल सकता। मैं, बलसारा ठीक कहता, हंसनी बोली, ये देवा नहीं है। तब तक महाजन की निगाह नीचे मौजूद देवराज चौहान के शरीर पर जा टिकी थी। उस पर नागराज का दिया काला कपड़ा ढका पड़ा था। नज़र नहीं आ रहा था कि वो कौन है।
ये कौन है? महाजन के ओटों से निकला। उसी पल मोना चौधरी के ओटों से गुर्राहट निकली और उसने कमरे में कमर में फंसी कटार निकाल ली। देवराज चौहान, मोना दांत किटकिटा उठी। अपनी मौत के लिए तैयार हो जा। मैं चाहूँगी कि तू मेरा मुकाबला करे, ताकि तुझे मारने के बाद मुझे ये ना लगे कि मैंने उसे मारा जिसने मेरा मुकाबला नहीं किया। नागराज के चेहरे पर मुस्कान छा रही। वो बोला, मैं सच में देवा नहीं मिलूँ। नागराज के स्वर में विश्वास कपूट था। मोना चौधरी के दांत भिज गए। वो मौत की सी नज़रों से उसे देखती रही। महाजन और पारसनाथ की कठोर नज़रें नागराज पर ही थी। तभी नागराज ने दोनों हाथ आपस में मिलाए और होठों ही होठों में बड़बड़ाया। अगले ही पल देखते ही देखते रूप बदला और वहाँ नागराज खड़ा नजर आने लगा। मोना चौधरी चौंकी। पारसनाथ और महाजन की हालत भी उनसे जुदा ना थी। नागराज, मोना चौधरी के होठों से निकला। नागराज मुस्कुराया, फिर पलटा और बेहोश देवराज के चौहान के ऊपर पड़ा काला कपड़ा हटा दिया। देवराज चौहान? मोना चौधरी की निगाह बेहोश देवराज चौहान पर जा टिकी। हाँ, ये है देवा। मैंने तो देवा का रूप अपनी इच्छा से ले रखा था, नागराज ने कहा। हंसनी, देवा पर कपड़ा उड़ा दो। मैं नहीं चाहता कि रानी अपनी विद्या से देवा को तलाश करे तो उसे इस हाल में देखे। हंसी ने पुनः काला कपड़ा देवराज चौहान पर उड़ा दिया। मोना चौधरी अपने पर काबू पाने की चेष्टा कर रही थी। नागराज के चेहरे पर बराबर मुस्कान थी। देवराज चौहान को मेरे हवाले कर देना नागराज, मोना चौधरी के ऑटो से निकला। क्यों, मैं इसे ख़त्म कर देना चाहती? क्या बेहोशी में डूबे की जान लेना बहादुरी है? मैं इसे होश में लाकर इसके हाथ में हथियार थमाकर इसे मारूंगी। ये खुद को बचा सका तो बचा ले मेरे से। नागराज ने मुस्कुराते हुए इनकार में सिर हिलाया। नहीं मिन्नो, अभी तेरे को देवा मिल ही नहीं सकता, मुझे इससे काम है। मोना चौधरी ने नागराज को घूरा। पारसनाथ ने महाजन को देखा। अपने नागराज जी तो किसी खासी चक्कर में लगते हैं, महाजन ने होंठ से कुड़कर कहा। मुझे भी ऐसे ही लगता है, पारसनाथ ने अपने गालों पर हाथ फेरा। बेबी, यहाँ पर कोई और ही मामला चालू है, वरना नागराज देवा का रूप क्यों लेते? तुम ठीक कहते हो महाजन, मोना चौधरी की निगाह नागराज पर जा टिकी। क्यों नागराज, असल बात क्या है या क्या हो रहा है? सच में तुम्हें देवा के रूप में देखकर मुझे पहले ही हैरान हो जाना चाहिए था। नागराज ने उसके हाथ में तभी कटार की तरफ इशारा किया। इसे वापस रख लो। मोना चौधरी ने आंखें सिकोड़े उसे देखते कटार को वापस फंसा लिया। मिन्नो, नागराज नीचे बैठते हुए गंभीर स्वर में बोला, तुम्हें कुछ भी बताने में मुझे कोई एतराज़ नहीं। तुमसे छिपाव का मेरा कोई मन नहीं, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम मेरी राह में परेशानियाँ पैदा नहीं करोगी। बैठ जाओ। मोना चौधरी फ़ौरन नीचे बैठ गई। नागराज ने महाजन और पारसनाथ को देखा। क्या तुम दोनों नहीं बैठोगे? महाजन और पारसनाथ भी बैठ गए। बलसारा ने हंसनी का हाथ पकड़ा और वो भी नीचे बैठ गया। नागराज अपने से वास्ता रखती अब तक की सारी बात मोना चौधरी को सुनाने लगा। इच्छाधारी और सत्तू। ढलती शाम का वक्त था। वो संध्या के वक्त की पूजा में व्यस्त था कि तभी उसके जहन को तीव्र झटका लगा, जो उसने आंखें खोल दी। कोई उसके मस्तिष्क को खटखटा रहा था, उसकी सोचों से छेड़छाड़ कर रहा था। कई पलों तक वो समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। एकाएक उसकी सोचों में देवा शब्द आ बसा। वो समझ गया कि गुरुवर की पवित्र शक्ति ही उसके मस्तिष्क के साथ छेड़छाड़ कर रही है, वरना बाहरी कोई ताकत उसके मस्तिष्क तक नहीं पहुंच सकती। इच्छाधारी ये भी समझ गया कि देवा से संबंधित ही कोई बात है। इच्छाधारी ने अपनी पूजा के सामने सिर झुकाया और विद्या का इस्तेमाल करते हुए आंखों को बंद कर लिया। चंद पल ही बीते होंगे कि उसकी आंखें खुल गईं। वो चौंक कर उठ गया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इच्छाधारी बड़बड़ा उठा। कई पलों तक वो बुद्ध की तरह खड़ा रहा। एकाएक उसे होश आया तो आंखें बंद करके होटे ही होटों में पवित्र मंत्र बड़बड़ा उठा। कहो सत्तू। अचानक इच्छाधारी के कान में सरगोशी हुई। क्या परेशानी आ गई? आपको कैसे पता चला कि मैं परेशान हूँ? बंद आंखों से इच्छाधारी क्या उठा। आज तुमने हमें प्रणाम भी नहीं किया, क्या यह परेशानी की निशानी नहीं? क्षमा गुरुवर, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, सच में मैं आज परेशान हूँ। गुरुवर की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। गुरुवर, मैंने अभी ध्यान लगाकर देवा को देखा, वो मुझे हंसनी के संग प्रेम में डूबा दिखाई दिया। क्या कहना चाहते हो सत्तू? जो मैंने देखा वो गलत था। कैसे कह सकते हो? गुरुवर की सरगोशी कानों में पड़ी। यह संभव ही नहीं हो सकता गुरुवर की देवा बेला या रानी के अलावा संसार की किसी दूसरी स्त्री की तरफ मर्द भरी निगाहों से भी देखे, और वो तो हंसनी के साथ। सत्तू, गुरुवर, यह संसार है, जो हो जाए वो कम है, जो ना हुआ वो कभी भी हो सकता है। गुरुवर की फुसफुसाहट कानों में पड़ रही थी। इस संसार में किसी भी वस्तु पर अविश्वास मत करो, और हैरान होने की भी आवश्यकता नहीं। कोई भी घटना कभी भी घट सकती है, संसार में कुछ भी असंभव नहीं। तो आप कहना चाहते हैं कि मैंने जो देखा वो सत्य है? ऐसा तो मैंने नहीं कहा सत्तू। फिर सत्य क्या है, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। जिस भी बात को जानने की आवश्यकता हो उसे जानने की स्वयं चेष्टा करो। आप तो सब कुछ जानते हैं गुरुवर। अवश्य, लेकिन मेरी जानकारी तो तुम जानने का अधिकार नहीं रखते।
वो जानकारी मैंने अपने परिश्रम से हासिल की है। अगर तुम्हें कुछ जानना है तो परिश्रम करो। मुक्ति के मार्ग को एकमात्र परिश्रम का ही रास्ता ही जाता है। सत्य कहा आपने, इच्छाधारी के होठ हिले। क्या आप ये भी नहीं बताएंगे कि जो मैंने देखा वो सत्य है या असत्य? ये जान लेने से तुम्हारे कार्य समाप्त नहीं हो जाएंगे। खुद ज्ञान के रास्ते पर आगे चलोगे तो मार्ग स्वयं खुलेगा। इच्छाधारी समझ गया कि गुरुवर उसे इसी रास्ते पर आगे बढ़ने को कह रहे हैं। जो आज्ञा गुरुवर, मैं सत्य और असत्य जानने के आगे जाता हूँ। उसके बाद गुरुवर की कोई आवाज़ नहीं आई। इच्छाधारी बंद आँखों से बड़बड़ा उठा। हे विद्या की शक्ति, मुझे अतिशीघ्र वहाँ ले चल जहाँ देवा और हंसनी को मैंने देखा। इन शब्दों के साथ इच्छाधारी का शरीर लुप्त होने लगा। होते होते वो शरीर अंत में चील के रूप में बदला और उस चील ने लंबी उछाल भरी और बहुत ऊपर आसमान में पहुँच गई। फिर पंख फैलाए वो चील तेज़ रफ्तार के साथ एक तरफ उड़ती चली गई। गहरा अंधेरा हर तरफ छाया हुआ था। वो चील किसी तीर की भांति नीचे उतरी और उन पेड़ों के झुरमट पर पहुंचकर उतर गई। दो पल भी न बीते होंगे कि एकाएक वो चील बड़ी होते हुए इच्छाधारी के रूप में बदल गई। इच्छाधारी वापस अपने असली रूप में आ गया था। अंधेरा फैला हुआ था। इच्छाधारी की नज़र हर तरफ गई। अपनी शक्ति से उसने इसी जगह पर देवा और हंसनी को प्यार में डूबे देखा था, परंतु अब यहाँ कोई नहीं था। उन्हें यहीं होना चाहिए। इच्छाधारी हर तरफ उन्हें ढूंढने लगा, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं मिला। वो मन ही मन कुछ परेशान हुआ। इस जगह को छोड़कर वो आसपास की जगह को देखते हुए आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। उस जगह को देखकर वो समझ गया था कि ये कौलादौर जगह है। जमीन में धसे खंडारों के पास वो पहुंचकर देवा और हंसनी को तलाश कर रहा था। उसका ख्याल था कि वो दोनों वहाँ से हटे तो इधर ही कहीं आए होंगे। जल्दी उसे रोशनी चमकती दिखी, जो कि नागराज की मणि की रोशनी थी। इच्छाधारी वहाँ पहुँचा और सावधानी से जमीन में आधे धसे कमरे में झांका तो उसे नागराज रूपी देवा, बलसारा, हंसनी, पारसनाथ, मोना चौधरी और महाजन दिखे। नागराज को उनके बीच देखकर वो हैरान हुआ। उसके बाद इच्छाधारी उनकी बातें सुनने में व्यस्त हो गया। सब कुछ सुना नागराज ने, स्तब्ध सा रह गया वो। नागराज के बताने से वो सब जान गए। कई बार वे हैरानी में डूबे तो कभी परेशानी में, सुनते रहे नागराज की बातों को। नागराज जब सब कुछ बताकर खामोश हुआ तो वहाँ चुप्पी सी छा गई थी। आखिरकार नागराज ही बोला, मिन्नो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हें देवा से कोई लगाव नहीं है, बल्कि उसकी जान लेकर ही तुम्हें शांति मिलेगी और हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। ऐसे में हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। हमें अच्छा रिश्ता बना लेना चाहिए। अगर मैं किसी परेशानी में हूँ तो तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए। क्या चाहते हो नागराज? मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ कि मुझे त्रिवेणी की आत्मा हर हाल में चाहिए, ताकि नागरानी का जीवन बचा सकूँ। इस काम में अगर तुम मेरी सहायता नहीं कर सकती तो ना सही, लेकिन अड़चन भी मत बनो। सच में इस काम में मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती नागराज, मिन्नो गंभीर स्वर में बोली। मुझे तुम्हारी सहायता की ज़रूरत भी नहीं है। मैं खुद हर काम को पूर्ण कर लेने में सक्षम हूँ। मुझे आशा है कि तुम मेरे काम में परेशानी पैदा नहीं करोगे। हम अच्छी पहचान वाले बन जाएंगे। मोना चौधरी की निगाह काला कपड़ा ओढ़े देवराज चौहान पर जा टिकी। जवाब दो मिन्नो, तुम खामोश क्यों हो गई? नागराज, मुझे तुम्हारी या त्रिवेणी की आत्मा में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है, मोना चौधरी ने कहा। मेरा भी ऐसा ही ख्याल है। मैं चाहती थी देवा रानी सापनाथ को त्रिवेणी की आत्मा ना मिले। कैसे मिलेगी? वो तो मैं ले जाना चाहता हूँ। ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथ से आत्मा निकलकर उनके कब्ज़े में पहुँच जाए। ये संभव नहीं होगा। तो मैं आशा करूँ कि तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगी, बशर्ते कि देवराज चौहान को तुम मेरे हवाले कर दो। नागराज एकाएक गंभीर हुआ। क्या तुम इसकी जान लोगी? हाँ, ये मेरा शिकार है। मोना चौधरी के दांत बिछ गए। जैसे मैं तुम्हारे रास्ते से हट रही हूँ, वैसे तुम भी मेरे रास्ते में ना आओ और देवराज चौहान को मेरे हवाले करके चले जाओ। तुम मेरे काम आ रही हो तो मैं तुम्हारे काम अवश्य आऊँगा, नागराज ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा काम पूर्ण होने से पहले तुम देवा की जान ना लो। तुम्हारा काम? त्रिवेणी की आत्मा हासिल करके मुझे छोटा सा यज्ञ करना है। मात्र 2 दिन का समय लगेगा सारे काम में। तुम 2 दिन देवा को अपने पास कैद रखो और 3रे दिन उसके साथ बेशक जो भी करो। नागराज को देखते मोना चौधरी ने सिर हिलाया। ठीक है, 2 दिन में देवराज चौहान को अपने पास कैद रख लूँगी। नागराज कुछ कहने लगा कि बेहोश पड़े देवराज चौहान के होठों से करहा निकली। सबका ध्यान उसकी तरफ गया। इसे होश आने दो, मोना चौधरी सख्त स्वर में क्या उठी, अब यह मेरा शिकार है। महाजन ने आगे बढ़कर उस पर काला कपड़ा हटा दिया। देवराज चौहान को धीरे धीरे होश आने लगा। सबकी निगाह उस पर थी। फिर वो वक्त भी आया जब देवराज चौहान की आँखें पूरी खुल गई। वो वहाँ का माहौल और वहाँ के लोगों को देखने लगा। नागराज मोना चौधरी को सामने देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उसे ध्यान आया कि वो रानी नगीना और बाकेला लटौर के साथ सुनहरा की बस्ती की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक ही तेज़ हवा चलनी शुरू हो गई। आंधी तूफान आ गया ऐसा कि खुद को संभाल ना सका। उसके बाद उसे कुछ होश ना रहा। अब होश आया था तो मोना चौधरी और नागराज को सामने देख रहा है।
वो चौंककर खड़ा हो गया। उलझन भरी नज़रों से वो सबको देखने लगा। बलसारा, हंसनी, पारसनाथ और महाजन को भी देखा। एकाएक मोना चौधरी के चेहरे पर मौत भरी मुस्कान ना छुटी। देवराज चौहान, मोना चौधरी कड़वे स्वर में क्या उठी, आखिर तुम मेरे फंदे में फंसी गए। रानी नगीना बाकेला लाठौर के साथ आगे बढ़ी जा रही थी। बहुत देर हो गई थी उन्हें चलते हुए, थकान उनके चलने और सांसें लेने के ढंग में नजर आ रही थी। रानो, कब तक तुम यूं मारे को दौड़ायो, आरामों भी तो करणों दियो। अभी रुकने का वक्त नहीं है भंवर सिंह, रानी की आवाज़ में सख्ती थी। कब तक तुम मारे को चलायो, एक आई रानी ठिठकी और तेज स्वर में कह उठी, शीशा। उसी पल आंखों के सामने वही शीशा लहरा उठा। बोल रानी, शीशे की आवाज़ आई, मुझे देवा और हंसनी की स्थिति दिखा। अगले ही पल शीशा चमक उठा, उसमें देवा और हंसनी दिखे, साथ ही नजर आए बलसारा, मोना चौधरी और नागराज। पारसनाथ और महाजन चूंकि एक तरफ खड़े थे इसलिए वो शीशे में नहीं दिखे। मोना चौधरी और नागराज को देवराज चौहान के साथ पाकर रानी चौंकी। यही हाल नगीना और बाकेलाल लाठौर का हुआ। देवराज चौहान कम से कम मोना चौधरी के साथ नहीं हो सकता, परंतु वो था, ये बात उनके लिए कम हैरानी वाली नहीं थी। देवराज चौहान के साथ मोना चौधरी, बाकेलाल लाठौर के होठों से निकला। नगीना की उलझन भरी निगाह शीशे पर थी। नागराजो, इन्हों दोनों के साथ का करो, बाकेलाल लाठौर के होठों से अजीब सा स्वर निकला। ओ, अब समझी, रानी कड़वे स्वर में क्या उठी, देवा ने हंसनी के साथ संबंध बना लिए, परंतु वो जानता है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, ढूंढी निकालूंगी। ऐसे में वो पहले ही मिन्नू के साथ मिल गया है कि वो उसे मेरे से बचा लेगी। शायद नागराज से भी देवा ने सहायता मांगी है, लेकिन रानी तेरे को नहीं छोड़ेगी। देवा, तेरी धोखेबाजी की सज़ा तेरे को देकर ही रहेगी, तू मेरे हाथों से नहीं बच। देवराज चौहानों हंसनों के साथ क्यों संबंध बनाए हो, तुम पहले ही देख चुके हो दोनों को प्यार करते हुए, रानी दांत भींचे कह उठी। तभी नगीना तीव्र स्वर में कह उठी, नहीं रानी नहीं, तेरे को गलतफहमी है कि मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। रानी ने खा जाने वाली नज़रों से नगीना को देखा। बल्कि तेरे प्यार की बेवकूफ़ी का पड़ता ये बात मानने को तैयार नहीं जो तेरी आंखों पर पड़ा है। देवा, ऐसा नहीं है रानी, नगीना की आंखों में आंसू चमक उठे, अवश्य कोई दूसरी ही बात है। तेरे को वो सच मान लेना चाहिए बेला जो तूने देखा है, वो सच नहीं है तो क्या है, रानी गुस्से से कह उठी। मैं नहीं जानती कि वो क्या है, नगीना भीगी आंखों से कह उठी, लेकिन सच ये है कि मेरा तय देवा ऐसा नहीं है। तुम मान रानी, ये जो भी शीशे में दिखता है वो धोखा है, दिखने वाली चीज़ को मैं झूठ कैसे मान लूँ। मुझ पर विश्वास करके तू उसे झूठ मान ले, देवराज चौहान किसी को प्यार भरी नज़रों से छू भी नहीं सकता, वो सिर्फ मेरे से प्यार करता है, मेरा है वो सिर्फ। आंखों से आंसू बहकर नगीना के गालों पर आ गए। याद कर तेरे को, हाँ कहने के लिए देवराज चौहान ने मेरी हाँ का इंतज़ार किया, अगर मैं उसे इनकार कर देती तो वो तेरे को भी देखता नहीं। रानी, ऐसा है मेरा देवा, वो किसी दूसरी स्त्री को इन निगाहों से देखेगा भी नहीं, लेकिन मैंने उसे दूसरी स्त्री के साथ देखा है इस शीशे में, ये झूठा है। रानी की दांत भिची निगाह शीशे पर जा टिकी। सुना शीशे, बेला क्या कह रही है, किसी की कही बात सुनना मेरा काम नहीं, शीशे की आवाज़ आई, बोल क्या कहती है। तूने देवा और हंसनी को दिखाया, क्या वो सच था, पक्का सच था, तू झूठ बोलता है, नगीना चीखी। शीशे से कोई आवाज़ नहीं आई। बाकेलाल लाठौर व्याकुल से कभी नगीना को देखता तो कभी रानी को। सच को झूठ मत बना बेला, रानी कठोर स्वर में क्या उठी, देवा भटक चुका है वो। नगीना फफक उठी, झूठ झूठ झूठ, नगीना चीखी। मैं जानती हूँ कि मेरा देवराज चौहान ऐसा नहीं, खामोश है, रानी ने उससे भी ज़्यादा चिल्ला कर कहा। दोनों एक दूसरे को देखने लगी। तेरा देवराज चौहान आसमान से उतरा देवता नहीं है, इंसान ही है, रानी खा जाने वाले स्वर में क्या उठी। इंसान गलतियाँ करता रहता है, देवा से भी गलती हो सकती है, उसकी गलती देखकर तू आंखें बंद कर सकती है, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मैंने 125 बरस तक तकलीफें सहकर देवा का इंतज़ार किया, उसे पाया और मिलन होने से पहले उसे दूसरी औरत की बाहों में देखा। यह अनर्थ है, पाप है जो देवा ने किया, मैं उसकी इस धोखेबाजी को भूल नहीं सकती। तेरा दिल बहुत बड़ा है, तू देखकर भी आंखें बंद कर सकती है, तेरे मेरे में फ़र्क है बेला, गीले गालों को साफ करती नगीना भीगे स्वर में क्या उठी। ठीक कहती है तू, तेरे मेरे में फ़र्क है, मैं नगीना हूँ, तू रानी है, मैं देवराज चौहान की पत्नी हूँ, उसे जानती हूँ, और तू उसकी बनना चाहती है, उसके बाद ही तो देवराज चौहान को ठीक तरह जान पाएगी। तेरे मेरे में बहुत फ़र्क है, मैं प्यार पा चुकी हूँ, तुझे पाना है, मैं देवराज चौहान का विश्वास करती हूँ और तुझे उस पर शक है। मुझे देवा पर शक नहीं, रानी ने दांत भींच कर कहा, यकीन है कि मैंने जो देखा है वो सच है। नगीना ने बाकेलाल राठौर को देखा, भैया तुम ही रानी को बताओ कि क्या मेरे पति ऐसे हैं। देवराज चौहान ऐसो ना होवे बहनों, रानी को बताओ भैया, नगीना सुबह उठी। रानो भी तो गलत ना होवे, बाकेलाल राठौर ने धीमे स्वर में कहा,
वो भी देखो शीशों में, क्या तुम भी देवराज चौहान को गलत मारा तो दिमाग हुई काम हो ना करो कि का गलत का ठीक हो। तो रानी को समझाओ कि देवराज चौहान को तलाश करके पहले सत्यता की जांच करे कि क्या सच में वो दगाबाज है। नगी ना बोली, उसके बाद ही फैसला करे कि। तभी शीशा बोला, रानी कहो शीशे, मुझे क्यों इन बातों में उलझा रखा है, जाना चाहता है तू, मेरा काम ही क्या है यहाँ। ठीक कहता है तू, रानी शब्दों को चबाकर बोली, देवा इस वक्त है कहाँ। काला द्वार, काला द्वार पर ही देवराज चौहान। कितनी दूर का रास्ता भी बाकी है, पूरे दिन का रास्ता है, क्या तू मुझे बताएगा कि काला द्वार पर देवा मिन्नो और नागराज कहाँ हैं। ये बताना मेरा काम नहीं है। ठीक है, मैं खुद ही तलाश कर लूँगी, रानी भिजे स्वर में बोली, तू जा। अगले ही पल हवा में लटकता शीशा गायब था। रानी उधर देखती रही जहाँ कुछ पल पहले शीशा नज़र आ रहा था, फिर नगीना को देखा, वो उसे ही देख रही थी। दोनों कई पलों तक एक दूसरे को देखती रही। बेला, अगर तू देवराज चौहान के धोखेबाज होने की बात से सहमत नहीं है तो मेरा साथ छोड़ दे, अपना रास्ता बदल ले। मैं तेरे से सहमत नहीं हूँ और अपना रास्ता भी नहीं बदलूँगी, नगीना ने दृढ़ स्वर में कहा। क्यों, तेरे साथ रहना बहुत ज़रूरी है मेरा, कि देवराज चौहान के खिलाफ जब तू गलत हरकत करे तो तुझे रोक सकूँ। तब तो तुझे साथ रखना ज़रा भी ठीक नहीं, रानी कठोर स्वर में कह उठी। तुझे क्या हो गया रानी, नगीना की आंखों में पुनः आंसू चमक उठे। ये वही देवा है जिसके लिए तू अपनी जान देने के लिए तैयार थी, अब उसी के खिलाफ। जब तक मुझे इस बात का एहसास रहा कि देवा मेरा है तो उसके लिए जान भी हाजिर थी, परंतु उसकी मक्कारी देखकर उसकी जान लेने को तैयार हो गई तो क्या गलत है। तू तो रानो, बाकेला लौट और गंभीर स्वर में क्या उठा। कबो कबो आंखों देखी बातों भी झूठो होवे, वक्त आने दो सबों कुछ पता चल जाए कि क्या सचो होवे और का झूठो। इधर बैठ के वक्त ना बर्बाद करियो, चलो देवराज चौहान के पास चलो, मारी तो खोपड़ी घूमो कि मोनो चौधरी के साथ हो देवराज चौहान का करो, हंसड़ी नागराजो और पासों में बलसारो भी खड़ो देखो। रानी ने अपने गुस्से पर कुछ काबू पाया, फिर वे तीनों आगे बढ़ने लगे। बहनों, चलते चलते बाके लाल लाठौर बोला, हाँ यो हंसनी तो मखड़ों मार के आसपासों के सबों छोरों पर डोरो डालो, वही हो वही। हाँ ये वही हंसनी है, नगीना ने भर्राए स्वर में कहा, मारो को बड़ो गड़बड़ो लागे कहीं पे तो। देवराज चौहान ने खुद को संभाला, मैं यहाँ कैसे आ गया। देवराज चौहान हैरान परेशान सा था। मोना चौधरी जहरीली निगाहों से देवराज चौहान को देखती रही, मैं यहाँ कैसे आ गया, मैं तो रानी नगीना और बाकी के साथ था। देवराज चौहान पुनः कह उठा, यहाँ तो मैं तुम्हारी मौत खींच लाई है देवा, बलसारा कह उठा। देवराज चौहान ने बलसारा को देखा, तुम बलसारा हो ना। हाँ मैं बलसारा ही हूँ, सुनहरा का सेवक हूँ। सुनहरा का, देवराज चौहान चौका, ओ लेकिन तुम मोना चौधरी और नागराज के साथ क्यों। क्योंकि मुझे सुनहरा की सेवादारी पसंद नहीं आई, अब मैं आत्माओं का रखवाला बन जाऊँगा। ये क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देवराज चौहान उलझन में था। तुम्हें समझने की ज़रूरत भी नहीं, मोना चौधरी शब्दों को चबा कर कह उठी, ये बातें तुम्हारे काम की नहीं है, तुम इस वक्त अपनी ज़िंदगी के आखिरी दरवाजे पर खड़े हो। देवराज चौहान ने मोना चौधरी को घूरा, फिर नागराज को देखा। मुझे स्पष्ट करो नागराज, ये सब क्या हो रहा है, मैं यहाँ कैसे आ गया। मैं जा रहा हूँ देवा, तुम्हें जो पूछ रहा हो मिन्नो से पूछ लेना, नागराज ने गंभीर स्वर में कहा। देवराज चौहान भारी तौर पर उलझन में था। हंसनी बलसारा, नागराज ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे साथ चलो। तुम कहाँ जा रहे हो, मोना चौधरी ने टोका। सुनहरा के पास। क्या करने, त्रिवेणी की आत्मा लेने और इन दोनों को आत्माओं का रखवाला बनाने, यह मेरी ज़रूरत नहीं। मोना चौधरी के चेहरे पर सोच के भाव उभरे रहे। देवराज चौहान अब तुम्हारे हवाले मिन्नो, नागराज ने अर्थपूर्ण स्वर में कहा, आज मेरा काम पूर्ण हो जाएगा, मैं इसे खत्म अभी नहीं मिन्नो। नागराज ने टोका, मेरा काम पूर्ण होने से पहले तुम देवा को कुछ नहीं कहोगी। तुम्हारा काम, तुम्हें तो महीना भी लग सकता है, तब तक क्या, मैं देवा के पास, मुझे सिर्फ 3 दिन चाहिए, तुम 3 दिन बाद कुछ भी करने को आज़ाद हो, नागराज बोला। ओह ठीक है, देवराज चौहान दांत भीजे बात को समझने की चेष्टा कर रहा था। तुम सब मुझे ख़त्म करने की योजना बना रहे हो, देवराज चौहान बोला। मैं नहीं, ये काम मिन्नो कर रही है, नागराज का सर गंभीर था। देवराज चौहान उसी पल मोना चौधरी पर झपटा, लेकिन बीच में खड़े बलसारा ने उसे रोक कर जकड़ लिया। ये इसी तरह तंग करेगा, मोना चौधरी ने दांत भींच कर कहा, बेहोश कर दो इसे। बलसारा ने जोर से उसके सर पर हाथ मारा तो देवराज चौहान बेहोश होकर नीचे गिरने लगा। बलसारा ने उसे थामा और नीचे लिटा दिया। आओ, नागराज ने बलसारा और हंसनी से कहा। वे तीनों बाहर निकल गए। मोना चौधरी ने देवराज चौहान को देखा, फिर महाजन पारसनाथ से कहा, देवराज चौहान पर नज़र रखो, ये जब भी होश में आए इसे बेहोश कर दो, इसे ख़त्म करने का सुनहरी मौका हाथ में आया है, सिर्फ 3 दिन की बात है, इतना इंतज़ार तो हम कर ही सकते हैं। उसके बाद देवराज चौहान खत्म। मोना चौधरी की आंखों में तीव्र खतरनाक चमक लहरा रही थी। कितनी आसानी से देवराज चौहान हमारे हाथों में आ फंसा, इसकी मौत ने हमें रास्ता भटकाकर यहां तक पहुंचाया है। मोना चौधरी
पारसनाथ बोला, रानी नगीना बाकेला लाठौर यहाँ ना आ जाए, इस जगह पर कोई नहीं पहुँच सकता। मोना चौधरी ने विश्वास भरे स्वर में कहा। नागराज जाते वक्त अपनी मणि साथ ले गया, जिसकी वजह से यहाँ गहरा अंधेरा हो गया था। बाहर फैली चंद्रमा की मध्यम रोशनी की लकीर भीतर तक आ रही थी। बाहर मौजूद इच्छाधारी ने जब नागराज, बलसारा और हंसनी को बाहर आते देखा तो तुरंत एक तरफ सरक गया। उसके देखते ही देखते तीनों बाहर निकले और अंधेरे में एक तरफ बढ़ते हुए नजरों से ओझल हो गए। ठंडी मध्यम हवा चल रही थी। इच्छाधारी परेशान से अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसने सब बातें सुनी थी। उनकी बातें शुरू होने के कुछ देर पश्चात वो पहुँचा था, इसलिए ये नहीं जान पाया कि नागराज ऐसा क्यों कर रहा है। वो बातें उनके बीच पहले हो गई थी। इच्छाधारी अब ये जानता था कि नागराज सुनेरा से त्रिवेणी की आत्मा लेने गया है। वो समझ नहीं पा रहा था कि नागराज को त्रिवेणी की आत्मा की क्या ज़रूरत पड़ गई। नागराज द्वारा की गई सब बातें इच्छाधारी के मस्तिष्क में घूम रही थी। देवा की जान खतरे में थी। मिन्नो उसे ख़त्म कर देने वाली थी, परंतु अभी 3 दिन बाकी थे। 3 दिन बाद मिन्नो ने देवा को मारना था। इच्छाधारी अपने ही विचारों में उलझा इस नतीजे पर पहुंचा कि उसे पहले जान लेना चाहिए कि नागराज को त्रिवेणी की आत्मा की क्या ज़रूरत पड़ गई। देवा को तो वो 3 दिन के भीतर कभी भी वापस आकर बचा लेगा। अगर अब देवा को बचाया तो उसे साथ लेकर कहाँ घूमेगा, कई काम करने हैं उसे। अब वो सबसे पहले नागराज के बारे में जानना चाहता था कि उसे त्रिवेणी की आत्मा क्यों चाहिए। इसके लिए उसने खतरनाक योजना बनाई। यही एक रास्ता था उसके पास ये बात जानने के लिए। और अगले ही पल आंखें बंद करके वो कुछ बड़बड़ाया कि उसका आकार छोटा होता चला गया। चंद पलों में ही वो चील के रूप में दिखा और अगले ही पल वो चील उड़ी और आसमान में पहुंचकर तेज़ी से एक दिशा की तरफ बढ़ती चली गई। भोर हो रही थी। नागराज बलसारा और हंसनी के साथ सुनेरा की बस्ती के करीब जा पहुंचा था। अब बलसारा और हंसनी ठिठक गए थे। हम यहाँ से आगे तुम्हारे साथ नहीं जा सकते नागराज, बलसारा बोला। क्यों? नागराज के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। तुम्हारे साथ हमने सुनेरा की बस्ती में पाँव रखा तो इस बात की सुनेरा को खबर हो जाएगी। वो ये भी जान जाएगा कि हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं, बलसारा ने कहा। हम यहीं पर हैं, हंसनी बोली। आप जाइए और त्रिवेणी की आत्मा हासिल करके हमें आत्माओं का रखवाला बनाकर अपनी कही बात को पूरा कीजिए। ठीक है, तुम दोनों यहीं रहो, नागराज ने कहा और आगे बढ़ गया। सूर्य की पहली किरण के साथ नागराज ने सुनेरा की बस्ती की सीमा में कदम रखा तो उसी पल उसके सामने नजूमी प्रकट हुआ। नागराज ठिठक गया। मेरा नजूम कह रहा था कि इस दिशा से आज कोई रुतबे वाली बस्ती में आएगा, इसी कारण मैं इस दिशा में मौजूद हूँ, परंतु मुझे आशा ना थी कि नागराज जी आएंगे। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, नागराज ठिठक कर नजूमी को देखने लगा था। इसके अलावा तुम्हारा नजूम क्या कहता है, नागराज ने शांत स्वर में पूछा। अपने मुँह से क्या कहूँ, मेरा कुछ भी कहना ठीक नहीं, नजूमी ने गंभीर स्वर में कहा। मैं यहाँ त्रिवेणी की आत्मा लेने आया हूँ, खबर है मुझे त्रिवेणी की आत्मा की मुझे सख्त ज़रूरत है, ये भी जानकारी है। कहाँ है त्रिवेणी की आत्मा? इन सवालों के जवाब तो आपको भीतर ही मिलेंगे, लेकिन एक बात अवश्य कहूँगा। क्या? त्रिवेणी की आत्मा के ग्रहों का असर ऐसा है कि जो भी उसे कैद रखेगा नुकसान खाएगा। क्या मुझे भी नुकसान होगा नजूमी? हर उसे होगा जो त्रिवेणी की आत्मा को अपने पास रखेगा, लेकिन मैं उससे लिए बिना नहीं रह सकता। मेरा काम तो बताना था, बता दिया मैंने। सुनेरा कहाँ? भीतर जाइए, नागराज आगे बढ़ गया। नजूमी गंभीर नज़रों से नागराज को जाते देखता रहा। कर्म ही बनाते हैं, कर्म ही बिगाड़ते हैं, जो होगा बढ़िया ही होगा, नजूमी बड़बड़ा उठा। नागराज का स्वागत करता है नागनाथ। नागराज ने ठिठक कर गर्दन घुमाई तो 4 कदमों के फासले पर नागनाथ को देखा। मैं सुनेरा से मिलने आया हूँ। अवश्य, मैं आपको मालिक के पास ले चलता हूँ, आइए। वे दोनों रास्ते पर आगे बढ़ गए। त्रिवेणी की आत्मा कहाँ है नागनाथ? मालिक सुनेरा के पास है, वो मुझे चाहिए। आपको त्रिवेणी की आत्मा से क्या काम पड़ गया? ज़रूरत पड़ गई। महान सुनेरा अगर देना चाहें तो आप त्रिवेणी की आत्मा ले जा सकते हैं, नागनाथ ने कहा। वैसे त्रिवेणी की आत्मा को पाने के लिए कई लोग चेष्टा कर रहे हैं, इसी सिलसिले में मेरा भाई सांपनाथ यहाँ कैद है, ये जानकारी है मुझे। वे दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे, कभी रास्ता तंग हो जाता तो कभी खुला। आखिरकार वे दोनों एक हॉल जैसी खुली जगह में पहुँचे, जहाँ कई सेवक अपने कार्यों में व्यस्त आ जा रहे थे। आप यहाँ आराम कीजिए नागराज जी, मैं महान सुनेरा को आपके आने की खबर करता हूँ, कहने के साथ ही नागनाथ आगे बढ़ गया। नागराज वहीं खड़ा इधर उधर देखता रहा। कईयों ने उसे देखा परंतु उसकी तरफ आने की चेष्टा ना की। कुछ देर बाद ही नागनाथ वापस आया और मुस्कुरा कर बोला, चलिए महान सुनेरा आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आओ नागराज, आओ, स्वागत है तुम्हारा, सुनेरा खुले दिल से मुस्कुरा कर बोला। तुम्हें यहाँ आया पाकर मुझे अवश्य हैरानी हुई, क्योंकि हमारे रास्ते तो बहुत जुदा हैं। ज़रूरत पड़ने पर हर जगह जाना पड़ता है सुनेरा, नागराज ने शांत स्वर में कहा। यह वही कमरा था जहाँ सुनेरा, बलसारा और
हंसनी से बात कर चुका था। वे दोनों कुर्सियों पर बैठे। कहो नागराज, तुम्हारी क्या सेवा करूँ? सुनहरा बोला। ज़रूरी काम था सुनहरा, इसलिए आया। कहो, मुझे त्रिवेणी की आत्मा चाहिए। सुनहरा की निगाह नागराज पर जाटकी। त्रिवेणी की आत्मा की तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई नागराज? सुनहरा का स्वर गंभीर था। नागरानी का जीवन समाप्त हो रहा है, उसे बचाने के लिए मुझे पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। पता चला कि तुम्हारे पास त्रिवेणी की पवित्र आत्मा है तो लेने आ गया। मुझे यकीन है कि मुझे निराश नहीं करोगे। सुनहरा नागराज को देखता रहा, फिर बोला, क्या सच में नागरानी का जीवन अंत पर है? हाँ सुनहरा, मुझे पूरी बात बताओ। नागराज ने सब कुछ बताया। सुनने के बाद सुनहरा खामोश रहा। मुझे त्रिवेणी की आत्मा दे दो, बदले में जो मुनासिब चीज़ कहोगे दे दूंगा। गलत वक्त पर आए हो नागराज। क्यों? इस वक्त मैं त्रिवेणी की आत्मा को किसी के हवाले नहीं कर सकता। क्यों? सापनाथ की बस्ती वाले त्रिवेणी की आत्मा पा लेना चाहते हैं। उन्होंने त्रिवेणी का शरीर पुनः तैयार कर रखा है, उसमें सिर्फ आत्मा डालने की ज़रूरत है। अगर ऐसा हो गया तो मेरे हक में बहुत बुरा होगा, सुनहरा ने गंभीर स्वर में कहा। वे हमारी राक्षसी इच्छाओं को खत्म कर हमें सामान्य इंसान बना देना चाहते हैं। ऐसा हो गया तो मेरी यह जगह मेरे हाथों से निकल जाएगी, मैं साधारण इंसान बन जाऊँगा। महान सुनहरा से त्रिवेणी की आत्मा मुझे क्यों चाहिए यह मैंने तुम्हें बता दिया, नागराज ने शांत स्वर में कहा। तुम मुझसे त्रिवेणी की आत्मा ले गए और वो किसी और के पास पहुंच गई तो मेरी हस्ती समाप्त हो जाएगी। मुझे अपने लिए चाहिए त्रिवेणी की आत्मा, भला वो मैं किसी दूसरे को क्यों दूंगा? उस आत्मा से तो मुझे नागरानी का जीवन बचाना है। तुम्हें मेरी बात समझ लेनी चाहिए, तुम भी मेरी बात समझो। क्या? त्रिवेणी की आत्मा देने का खतरा मैं नहीं उठाऊँगा, अभी इस काम के लिए वक्त ठीक नहीं है। क्या तुमने सुना नहीं कि नागरानी का जीवन बचाने के लिए मुझे त्रिवेणी की आत्मा की सख्त ज़रूरत है? सुन लिया है नागराज, लेकिन इस वक्त मैं ना देने के लिए मजबूर हूँ। नागराज की आंखों में कठोरता उभरी और फौरन ही लुप्त हो गई। ठीक है, तुम्हारी इच्छा, एकाएक नागराज मुस्कुराया। क्या तुम त्रिवेणी की पवित्र आत्मा के मुझे दर्शन करा दोगे? सोचूंगा, मेरा आना बेकार नहीं गया। त्रिवेणी की आत्मा को देखकर तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, सुनहरा ने कहा। फिर भी मन को तसल्ली होगी कि आत्मा को पा नहीं सका लेकिन दर्शन तो कर लिए, नागराज बोला। सुनहरा सिर हिलाकर उठ खड़ा हुआ। आओ मेरे साथ। सुनहरा नागराज को लेकर बाहर निकला और एक रास्ते पर आगे बढ़ गया। तुम्हारे काम आकर मुझे खुशी होती, लेकिन तुम ऐसी आत्मा मांग रहे हो जिसे आज़ाद करना इस वक्त ठीक नहीं। मेरे लिए कोई और काम हो तो अवश्य कहो, मैं पूरा करूँगा। मैं जल्दी तुम्हें कोई काम अवश्य कहूँगा सुनहरा, मुझे खुशी होगी तुम्हारा काम करके। दोनों आगे बढ़े जा रहे थे। मेरी मानो तो गाँव में चले जाओ, वहाँ तुम्हें कई पवित्र लोग मिलेंगे जिनकी आत्मा से तुम अपना काम ले। किसी का जीवन समाप्त करके मिली आत्मा से मेरा काम पूर्ण नहीं होगा। इसका मतलब इस काम में तुम किसी की जान नहीं लोगे? ठीक समझे, ऐसा करके ही मैं नागरानी का जीवन बचा पाऊँगा। तभी तो तुम्हारे पास आया कि तुम त्रिवेणी की आत्मा मुझे अवश्य दे देता, लेकिन अपनी मजबूरी तो मैं बता ही चुका हूँ कि ना देने की क्या वजह है। मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ, नागराज शांत स्वर में बोला। अगर तुम कहो तो मैं किसी की जान ले लेता हूँ जिसकी आत्मा पवित्र हो। ये गलत होगा कि तुम मेरे कहने पर मेरे लिए किसी की जान लो, ऐसे मेरा काम पूर्ण नहीं होगा। ठीक है, समझा, मुझे बताना मैं तुम्हारे किसी काम आ सका। अवश्य कहूँगा, चलते हुए नागराज बोला। सुना है त्रिवेणी को पुनः जिंदा करने की कोशिश में रानी देवा के साथ और भी कई लोग इस तरफ आ रहे हैं, वो त्रिवेणी की आत्मा लेने के लिए मुझसे तुझसे झगड़ा करेंगे। वे ना तो मुझसे जीत पाएंगे ना ही त्रिवेणी की आत्मा ले पाएंगे, सुनहरा ने गर्व भरे स्वर में कहा। उन्होंने मुझे ज़्यादा तंग किया तो हो सकता है कि मैं उनकी जान ले लूँ। नागराज कुछ नहीं बोला। जाने कितनी देर वे दोनों पैदल चलते रहे, जाने किस किस रास्ते को पार किया। अब वे ऐसे रास्ते पर पहुंच गए जहां कोई सेवक नज़र नहीं आ रहा था। यहां हम दोनों अकेले हैं क्या? नागराज बोला। हाँ, इस तरफ बिना इजाज़त किसी को आने की छूट नहीं है, सुनहरा बोला। सिर्फ 3 सेवक ही ऐसे हैं जो इस तरफ के काम पूरा करते हैं। यहाँ मेरे द्वारा रखी गई आत्माओं का निवास है। ओ, तभी सुनहरा एक दरवाजे के पास ठिठका। पीतल का वो चमकता दरवाज़ा बंद था। सुनहरा ने दरवाजे पर हाथ रखा, फिर उंगली से दरवाजे पर लिखने का उपक्रम किया। अगले ही पल दरवाज़ा खुलने लगा, दरवाजे के दोनों पल्ले खुल गए। सुनहरा और नागराज भीतर प्रवेश करके ठिठके। ये काफ़ी बड़ा हॉल कमरा था। फर्नीचर के नाम पर वहाँ कुछ नहीं था, साफ चमकता फर्श, परंतु दीवारों पर चांदी समान चमकते मोती लगे चिपके नजर आ रहे थे। चारों तरफ की दीवारें सफ़ेद चमकते मोतियों से ढकी हुई थी। वे मोती झिलमिला रहे थे जैसे मध्यम सी रोशनी वहाँ फैला रहे हैं। मन को बहुत भला लग रहा था। इस अभूतपूर्व नज़ारे को नागराज देखता रह गया। सुनहरा ने मुस्कुराकर नागराज को देखा। कैसा लग रहा है नागराज? अद्भुत, नागराज बोला। लेकिन यह है क्या? यह कक्ष आत्माओं का निवास है। ऐसे 10 कक्ष है कुल जहाँ मैंने आत्माओं को रखा हुआ है। लेकिन आत्माएं हैं कहाँ? ये चांदी की तरह चमकते बिंदु सब आत्माएं तो हैं।
ओ, ये देखकर मुझे हैरानी हुई। मैं तो इन्हें मोती समझ रहा था। नागराज के होठों से निकला, मेरे लिए तो ये अनमोल मोती ही हैं। त्रिवेणी की आत्मा कहाँ है? अभी लो, कहने के साथ ही सुनेरा ने हथेली आगे की और होठे होठों में कोई मंत्र बड़बड़ाने लगा। चंद पल ही लगे, मंत्र के पूर्ण होते ही सुनेरा की फैली हथेली में एकाएक चांदी समान चमकता बिंदु नजर आने लगा। सुनेरा नागराज की तरफ घूमा और होठों पर मुस्कान समेटे कह उठा, ये देखो त्रिवेणी की पवित्र आत्मा। नागराज ने उसकी हथेली पर मौजूद चमकते मोती को देखा। ये आत्मा है? हाँ, इसके भीतर त्रिवेणी की आत्मा है। आत्मा तो जरा सी होती है बिंदु की तरह, सामान्य इंसान तो उसे ठीक से देख भी नहीं पाता। मैं ऐसे मोती तैयार करके इनके भीतर आत्मा रख देता हूँ, ज़रूरत पड़ने पर आत्मा को बाहर निकाल लेता हूँ। बहुत अच्छा मोती तैयार किया तुमने आत्मा रखने के लिए, नागराज ने अपना हाथ आगे किया, दिखाना। तो सुनेरा ने अपने हाथ में मौजूद त्रिवेणी की आत्मा के मोती को नागराज की हथेली पर रख दिया। नागराज के चेहरे पर सख्त मुस्कान आ ठहरी, उसने हथेली बंद कर ली। सुनेरा, नागराज के स्वर में बेहद खास भाव थे। कहो नागराज, मुझे मेरी महाशक्ति ने कहा था कि त्रिवेणी की आत्मा को पाने के लिए किसी का जीवन नष्ट नहीं करना है, तो मैंने त्रिवेणी की आत्मा पा ली। सुनेरा चौंका, उसकी आंखें सिकुड़ी। ये क्या कह रहे हो नागराज, तुमने तो आत्मा देखने के लिए ली थी। सुनेरा के होठों से निकला, गलती है तुम्हारी, मुझे यहाँ तक लाना ही नहीं चाहिए था। त्रिवेणी की आत्मा मेरी हथेली पर रखनी ही नहीं चाहिए थी। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं यहाँ त्रिवेणी की आत्मा लेने ही आया हूँ, जो मेरे लिए ज़रूरी है। इस पवित्र आत्मा से मेरी नागरानी का जीवन बच सकता है, मुझे उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। सुनेरा का चेहरा कठोर होने लगा। तुम गलत बातें कर रहे हो नागराज। मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। विश्वासघात कर रहे हो तुम। तुमने देखने के लिए आत्मा ली थी, ना कि रखने के लिए। तुम्हारी गलती है कि सुनेरा कि तुमने मुझ पर विश्वास किया। नाग जात का हूँ, नागराज हूँ, हमारा कैसा विश्वास। महाशक्ति ने तो हमें सिर्फ अपना काम पूर्ण करने का आदेश दे रखा है, हम नाग तो अपना काम पूर्ण करते हैं। सुनेरा का सूखा चेहरा खतरनाक सा दिखने लगा। नागराज, तुम इस तरह मुझसे त्रिवेणी की आत्मा नहीं ले सकते। वो तो मैंने ले ली, ये धोखा है। कुछ भी कहो, मैंने किसी का जीवन नष्ट किए बिना ये काम पूर्ण कर लिया। नागराज मुस्कुरा रहा था। भूल में हो तुम कि यहाँ से जा सकोगे, मेरी इजाज़त के बिना तुम यहाँ से बाहर नहीं। चला जाऊँगा सुनेरा, मेरे पास शक्ति है, मत भूलो कि मैं नागराज हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा। नागराज गंभीर हुआ। सुनेरा, त्रिवेणी की पवित्र आत्मा को पाने तक ही मेरे हाथ बंधे थे कि मैं किसी का जीवन ना लूँ। अब मैं आत्मा को प्राप्त कर चुका हूँ, अब मैं किसी के जीवन पर भी आक्रमण कर उसे नष्ट कर सकता हूँ। मुझे चुनौती देता है तू, मेरी जगह पर तू मुझे जाने दे। सुनेरा, त्रिवेणी की पवित्र आत्मा की मुझे सख्त ज़रूरत है। नागराज की आवाज़ में गंभीरता थी। यह आत्मा मैं तुम्हें किसी भी हाल में नहीं दे सकता, यह मुझे वापस दे और चला जाए यहाँ से। यह पवित्र आत्मा अब मैं तुझे कभी भी नहीं लौटाऊंगा, ये बात है तो ले भुगत। सुनेरा ने भड़क कर कहा और आंखें बंद करके होटे ही होटों में बड़बड़ाने लगा। तभी सामने खड़ा नागराज जी का एक गायब हो गया। अगले ही पल काला सुंदर सा नाग सुनेरा की गर्दन में लिपटा दिखा। नाग का एहसास पाते ही सुनेरा ने हड़बड़ा कर आगे खोली, वो दहशत में था। नहीं नागराज, तुम मेरी जान नहीं ली। उसी पल गले में पड़े नागराज का फन सुनेरा की छाती पर दिल वाले हिस्से पर जा लगा। सुनेरा ने चीखने के लिए होठ खोले, परंतु चीख ना सका, आंखें फटी रह गई। उसी पल उसके गले से नाक गायब हुआ और नागराज सामने खड़ा नजर आने लगा। सुनेरा फटी आंखों से पीठ के बल नीचे जा गिरा, मर चुका था वो। नागराज के जहर ने उसे अगली सांस ही नहीं लेने दी थी। नागराज ने बंद मुट्ठी को आगे किया और खोला। नन्ना सा मोती हथेली पर पड़ा चमक रहा था। नागराज ने मुट्ठी बंद करके हाथ नीचे किया और नीचे पड़े सुनेरा के मृत शरीर को देखकर बुदबुदा उठा। तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए थी सुनेरा, मुझे त्रिवेणी की आत्मा देकर भेज देते तो मैं कभी भी तुम्हारी जान न लेता। इसके साथ ही नागराज ने वहाँ की दीवारों पर नज़र मारी। मोती के रूप में आत्माएं दीवारों पर मौजूद जैसे टिमटिमा रही थी। नागराज की जय हो। नागराज ने उसी पल दरवाजे की तरफ गर्दन घुमाई, वहाँ नजूमी खड़ा दिखा। मैंने पहले ही अपने नजूम से जान लिया था कि यह सब होने वाला है, नजूमी बोला। तो फिर सुनेरा को बताया क्यों नहीं, क्या फ़ायदा होता, बचाव का कोई रास्ता नहीं था, यह सब तो होना ही था। सुनेरा को पता चल जाता तो शायद उसका कष्ट बढ़ जाता। नागराज ने नजूमी की आंखों में देखा। तुम्हें सुनेरा की मौत का दुख नहीं है क्या? बहुत दुख है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता, नजूमी ने गर्दन हिलाई। नजूम से तुमने ये भी मालूम कर लिया होगा कि अब यहाँ का मालिक कौन होगा, नागराज ने पूछा। अवश्य नागराज, नजूमी ने सिर हिलाया। बलसारा और हंसनी आत्माओं के मालिक बनने जा रहे हैं, वे कुछ ही देर में यहाँ पहुँच जाएंगे, स्वागत होगा उनका। यहाँ जो कुछ है अब उनका ही है, परंतु मेरा नजूम ये भी मुझे बता चुका है कि ये दोनों ज़्यादा देर यहाँ के मालिक नहीं रहेंगे। मालिक एक ही होगा, वो दूसरे को अपने हाथों से मार देगा। क्यों? ये बात नजूम ने मुझ पर जाहिर नहीं की। नागराज कुछ पर नजूमी को देखता रहा, बोला कुछ नहीं। मेरे लायक सेवा बताओ नागराज, मुझे चलना चाहिए।
जिस काम के लिए आया था वो हो गया और त्रिवेणी की पवित्र आत्मा मिल गई नागराज। नजूमी ने गंभीर स्वर में पूछा। नागराज ने नजूमी की आंखों में देखा। जो बात जानते हो वो क्यों पूछ रहे हो? नागराज बोला, ये आत्मा किसी की कैद में नहीं रहेगी। सुनेरा ने इसे कैद में रखा तो अब उसका अंजाम तुम्हारे सामने है नागराज। क्या कहना चाहते हो? यही कि त्रिवेणी की आत्मा आपके लिए भी भली ना होगी नागराज। मैं इस आत्मा को कैद में नहीं रख रहा, अभी नागलोक पहुंचकर यज्ञ आरंभ कर दूंगा। यज्ञ की उस आग में से स्वाहा करना। नजूमी मुस्कुराया। मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्योंकि आप कह रहे हैं कि त्रिवेणी की आत्मा को आपने कैद में नहीं रखा और मुट्ठी में दबा रखा है उसे। नागराज का चेहरा सख्त हुआ। कुछ देर तो आत्मा को कैद रखना ही पड़ेगा, यही अशुभ होगा आपके लिए। क्या तुमने भविष्य देखा है? नहीं, नजूमी ने गंभीर शांत स्वर में कहा। मैं तो इस आत्मा के ग्रहों के आधार पर यह बात कर रहा हूँ। नागराज ने फिर कुछ ना कहा। आत्मा को मुट्ठी में कैद लिए नागराज बड़बड़ाया कि अगले ही पल वो अपनी जगह से गायब था, जैसे कि वो वहाँ कभी रहा ही ना हो। नजूमी गंभीर निगाहों से उस जगह को देखता रहा जहाँ कुछ पल पूर्व नागराज खड़ा था। माफ़ करना नागराज, मैंने भविष्य देख लिया लेकिन तुझे ना बताया। सुनकर तू विश्वास ना करता, यकीन ना आता तुझे और त्रिवेणी की आत्मा को अपनी कैद से आज़ाद भी ना करता, क्योंकि तूने तो नागरानी का जीवन हर हाल में बचाना है। अब अनर्थ तो होगा ही, भारी अनर्थ, बहुत कुछ गंवाना पड़ेगा तुझे। ऐ बलसारा, दोनों पेड़ के नीचे छांव और ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। सूर्य सिर पर चढ़ता आ रहा था। नागराज नहीं आया, आ जाएगा। क्या ख्याल है तेरा कि त्रिवेणी की आत्मा नागराज ले आएगा? अगर सुनेरा ने ना दी तो? बलसारा ने गर्दन घुमाकर हंसनी के खूबसूरत चेहरे को देखा। सुनेरा ने आत्मा देने से इनकार किया तो झगड़ा होगा। ठीक तो है रे, हंसनी ने आँखें नचाई। झगड़ा होगा तो हमारा भला होगा। क्या मतलब? सुनेरा मरेगा तभी हम आत्माओं के रखवाले, आत्माओं के मालिक बन पाएंगे? हंसनी हंसी। क्यों, ठीक बोली ना? वो तो वैसे भी बन जाएंगे। वैसे कैसे? सुनेरा क्यों बनने देगा हमें अपनी जगह पर? वो तो ये बात नागराज जाने। उसने हमसे वादा किया है कि वो हमें आत्माओं का रखवाला बनाएगा। कैसे उसने अपनी बात पूरी करनी है ये तो नागराज को ही पता होगा। बलसारा समझाने वाले ढंग में क्या होता, उसी पल उन्हें नागराज सामने खड़ा दिखा। ओह, नागराज जी आ गए। हंसनी फौरन खुशी से उठी। त्रिवेणी की आत्मा मिल गई नागराज, बलसारा के ओटों से निकला। नागराज ने बंद बुद्धि आगे की। इसमें है त्रिवेणी की आत्मा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। आपका काम तो हो गया नागराज। हंसनी क्या उठी, अब हमारे बारे में भी तो सोचिए। नागराज के ओटों पर मुस्कान उभरी। आत्माओं का रखवाला बनने के लिए कह रहे हो? वही तो, भला हमें और क्या चाहिए? क्यों बलसारा? बलसारा ने सिर हिला दिया। जाओ, तुम दोनों का रास्ता साफ है। नागराज मुस्कुरा पड़ा। वो सुनेरा जिंदा नहीं है। सच नागराज जी, ये तो मज़ा आ गया। चल बलसारा, वहाँ का सब कुछ संभालने में बहुत मेहनत करनी है अभी। उसके बाद तो बलसारा और हंसनी एक दूसरे का हाथ थामे सुनेरा की बस्ती की तरफ दौड़ते चले गए। नागराज मुस्कुराता हुआ उन्हें जाते देखता रहा कि तभी उसकी निगाह दुदका पर पड़ी। वो एक पेड़ के तने के पीछे से झांकता इधर ही देख रहा था। जब दुदका ने महसूस किया कि नागराज ने उसे देख लिया तो दुदका पेड़ के पीछे से निकलकर सामने आया और धीरे धीरे नागराज की तरफ बढ़ने लगा। नागराज के ओटों से मुस्कान गायब हो गई। वो पास आते दुदका को देखता रहा। दुदका चंद कदम पहले पहुंचकर ही ठिठक गया। दोनों कई पलों तक एक दूसरे को देखते रहे। त्रिवेणी की आत्मा मुझे दे दो नागराज, दुदका ने गंभीर स्वर में कहा। नहीं, इसकी मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ नागराज, तुम्हारा मेरा कोई मुकाबला नहीं। दुदका का धीमा स्वर गंभीर था। इतना बड़ा ओहदा है तुम्हारा, हम लोगों से झगड़ा करना तुम्हें शोभा नहीं देता। झगड़ा तुम कर रहे हो दुदका? नहीं नागराज, तुम कर रहे हो। हम तो कब से त्रिवेणी की आत्मा लेने बस्ती से निकले हुए हैं। तब तुम रास्ते में मिले भी थे जब वायुलाल ने हमें फंसा दिया था। तुम्हारे नाग सापनाथ की जान लेने आ रहे थे और इच्छाधारी ने हमें वक्त पर आकर बचा दिया था। पढ़िया पूर्व प्रकाशित उपन्यास इच्छाधारी। तब तुम्हारा ध्यान तो त्रिवेणी की आत्मा की तरफ था ही नहीं। इस पर मेरा हक पहले बनता है। मुझे त्रिवेणी की पवित्र आत्मा की ज़्यादा ज़रूरत है, नागराज ने गंभीर स्वर में कहा। नागरानी का जीवन बचाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। नागरानी का जीवन? हाँ, लेकिन हम तो हज़ारों लोगों की राक्षसी इच्छाओं को खत्म करने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। एक जीवन ज़्यादा ज़रूरी है या हज़ारों लोगों का ठीक हो जाना ज़्यादा आवश्यक है? अपनी बात तुम जानो, नागराज का स्वर सख्त हुआ। लेकिन मैं अपनी बात जानता हूँ कि नागरानी का जीवन बचाना मेरे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो तुम्हारी पत्नी है। कुछ भी कहो नागराज, अगर मेरे बस में होता तो मैं तुमसे त्रिवेणी की आत्मा छीन लेता, दुदका बोला। तुम अपने मतलब की खातिर कितनों की सुख शांति से खेल रहे हो। तुम हर कोई अपने मतलब की खातिर भाग रहा है, दूसरे के लिए कोई नहीं भागता। अपने को ही लो, तुम भी तो अपने मतलब की खातिर भाग रहे हो, नागराज की आवाज़ में गंभीरता थी। मेरे मतलब के साथ मेरे जाति के लोगों की सुख शांति भी जुड़ी है। यही तो मैं कह रहा हूँ
कि मैं जो कर रहा हूँ उसके पीछे मेरी भी सुख शांति है, मेरी नागरानी सलामत रहेगी तो मैं नागलोक का अच्छी तरह ध्यान रख सकूँगा, मैं परेशान रहूँगा तो कैसे कोई काम ठीक से कर पाऊँगा। दुदका व्याकुल नजरों से नागराज को देखता रहा। मुझे दुख है दुदका कि मेरी वजह से तुम्हारी बस्ती का काम रुक रहा है, जबकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। जिस तरह तुम अपना भला चाहते हो वैसे ही मैं अपनी बस्ती वालों का भला चाहता हूँ। नागराज के होठों पर शांत मुस्कान उभरी। दुदका ने उसकी बंद मुट्ठी पर नज़र मारी। मैं तुमसे त्रिवेणी की आत्मा छीनने की कोशिश करूँगा तो तुम क्रोध में आकर मेरी जान ले लोगे, दुदका बोला। अवश्य मैं नहीं चाहूँगा कि कोई मेरे इस काम में रुकावट बने, नागराज कह उठा। अब मैं चलता हूँ, दुदका की आंखों में पानी चमक उठा। तुम रो रहे हो, नागराज बोला। दुख के आंसू आए। जब दुख बढ़ जाता है तो आंखें बोलने लगती, दुदका आंखें साफ करता कह उठा कि मैं अपनी जाति वालों का भला नहीं कर सका, उनकी राक्षसी इच्छाएं खत्म करने निकला था लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। एक चीज़ की आवश्यकता दो को पड़े तो एक को खाली हाथ रहना ही पड़ता है, नागराज ने कहा और पलट कर तेज तेज कदमों से एक तरफ चल पड़ा। दुदका अफसोस भरी नज़रों से नागराज को जाता देखता रहा। उसके बाद वहीं बैठ गया। वो सापनाथ के साथ आया था, सापनाथ सुनेरा की कैद में था, उसे छोड़कर अकेला बस्ती की तरफ नहीं जा सकता था। ऐसे में उसके पास आगे होने वाली घटनाओं का इंतज़ार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता न था। धीरे धीरे वक्त बीता और दोपहर हो गई। दुदका तब पेड़ की छाँव में लेटा था जब उसे कदमों की आहट सुनाई दी। उसने फ़ौरन आहट की तरफ गर्दन घुमाई। कुछ दूरी पर उस अन्य दिशा की तरफ सांपनाथ जाता दिखा। दुदका के चेहरे पर खुशी उभरी। सांपनाथ, दुदका ने उसे ऊंचे स्वर में पुकारा। उसी पल सांपनाथ ठिठका, इधर देखा। दुदका को पाकर वो दौड़ता पास आया। दुदका, सांपनाथ दोनों खुशी से मिले। मैं तो परेशान हो रहा था कि तू जाने कहाँ होगा, उसके पास बैठता सांपनाथ क्या उठा। मैं तेरे इंतज़ार में यहीं बैठा हूँ। सुनेरा की कैद से तू निकला कैसे, दुदका ने पूछा। सांपनाथ गंभीर हुआ। सुनेरा का जीवन नागराज ने समाप्त कर दिया है। अब वहाँ के मालिक बलसारा और हंसनी हैं, उन्होंने मुझे कैद से आज़ाद कर दिया है। हंसनी ने बताया कि नागराज त्रिवेणी की पवित्र आत्मा ले गया है, नागरानी का जीवन खतरे में है। उस पवित्र आत्मा की आहुति देकर वो नागरानी का जीवन बचाएगा। हाँ, इसी दिशा से नागराज गया है, मेरी मुलाकात हुई थी उससे, दुदका ने गहरी सांस ली। फिर मैंने त्रिवेणी की आत्मा मांगी परंतु नागराज ने देने से इनकार कर दिया कि इससे उसने नागरानी का जीवन बचाना है। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, नागराज है वो, संसार का सबसे जहरीला। ये तो बहुत बुरा हुआ, सांपनाथ परेशान से कह उठा। अब क्या होगा, हमने तो त्रिवेणी का शरीर भी तैयार कर रखा है। नागराज का काम तो दूसरी आत्मा से भी हो सकता है, परंतु उसने त्रिवेणी की पवित्र आत्मा की आहुति दे दी तो हमारा काम कभी भी पूर्ण नहीं होगा, हम राक्षसी इच्छाओं के साथ ही जीवित रहेंगे। दुदका ने होंठ भींच लिए। त्रिवेणी की आत्मा लिए बिना बस्ती में वापस जाएंगे तो हमारे लिए शर्म की बात होगी, सांपनाथ बोला। नहीं सांपनाथ, दुदका कह उठा, इसमें शर्म कैसी, कार्य कभी पूर्ण होते हैं तो कभी अपूर्ण, यह ज़रूरी तो नहीं कि हर कार्य पूर्ण हो, इसमें शर्म जैसी तो कोई बात नहीं। समस्या तो यह है कि हमारा कार्य त्रिवेणी की आत्मा के बिना पूरा नहीं होगा। अवश्य यह समस्या है, इस समस्या का कोई समाधान नहीं। तो क्या हम राक्षस योनि में ही भटकते रहेंगे, हम कभी देवा रानी भी तो इधर आ रहे थे, वो नहीं पहुँचे क्या। नहीं, ओ अवश्य वो किसी परेशानी में पड़ गए होंगे, वरना अब तक तो वो, तभी दोनों की निगाह सामने से आते नजूमी पर जा टिकी। वो देख, सांपनाथ क्या उठा, सुनेरे का नजूमी यानी ज्योतिष आ रहा है, ये इधर क्या करने आ रहा है, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। नजूमी कुछ ही देर में उनके पास आ पहुँचा। मुझे मालूम था कि तुम दोनों यहीं मिलोगे, नजूमी बोला। अब किन सोचों में हो, हम क्या करें, त्रिवेणी की आत्मा तो नागराज ले गया जबकि उसकी ज़रूरत हमें है, सांपनाथ बोला। तुम सही कहते हो, नजूमी मुस्कुराया, हमें किसी तरह त्रिवेणी की आत्मा दिलवा दो नजूमी, मैं कैसे ये काम कर सकता हूँ। तो अब हम क्या करें, दुदका अफसोस भरे स्वर में क्या उठा। मेरा नजूम कहता है कि तुम दोनों को वापस अपनी बस्ती की तरफ चल देना चाहिए। बस्ती की तरफ, सांपनाथ ने उसे देखा। बस्ती वाले त्रिवेणी की आत्मा के बारे में पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। मुझे कुछ नहीं मालूम, नजूमी बोला। मेरा नजूम कहता है कि तुम वापस अपनी बस्ती में चले जाओ, वहाँ तुम्हें जो भी देखने सुनने को मिलेगा वो तुम्हारी प्रसन्नता का कारण बनेगा। ओ, दुदका नजूमी को देखता सांपनाथ से बोला, ये झूठ नहीं कहता होगा। नजूमी मुस्कराया और पलटते हुए बोला, मेरे नजूम ने ही कहा है कि ये संदेश तुम तक पहुँचा दूँ, इसलिए यहाँ आया, अब जाता हूँ। वो चला गया। दुदका और सांपनाथ के चेहरे पर सोच के भाव उभरे रहे। क्या कहते हो सांपनाथ, नजूमी झूठ नहीं बोलेगा, इसका काम झूठ बोलना नहीं है, सांपनाथ ने दुदका को देखा। ये बात तो मैंने पहले ही कर दी है, दोनों की नज़रें मिली। एकाएक सांपनाथ खड़ा हो गया। चल दुदका, हम अपनी बस्ती में वापस जाएंगे, तुम बस्ती के सरदार हो। दुदका भी उठ खड़ा हुआ। तुम्हारा फैसला ही अंतिम होगा, चलो। दुदका और सांपनाथ वापस चल पड़े। दुदका, इस वक्त हमारे पास त्रिवेणी की आत्मा होती तो हम कितना खुश हो रहे होते।
भूल गए कि नजूमी ने कहा है कि बस्ती में पहुंचकर हमें इससे भी बड़ी प्रसन्नता मिलेगी। कुछ कहने की अपेक्षा दुदका गहरी सांस लेकर रह गया। बस्ती में पहुंचने के लिए उनके वापसी के कदम तेजी से उठते जा रहे थे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नागराज की हत्या के अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।